जो सिलेक्शन है उसमें थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि एक्सटेंडेड रन दें अपने जो यंगस्टर्स, ऑलरेडी काफ़ी यंगस्टर्स हैं हमारी टीम में, हैदर अली, खुशदिल शाह एक एक मैच खेले हैं, बाकी भी जो हैं वो सेटल, उनमें एक्सपीरियंस प्लेयरों में बहुत कम हैं, नए हैं मोस्टली, बॉलिंग लाइनअप में भी नए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंडेड रन दें और इस सीरीज़ में उनको खिला के पूरा चांस दें। वही पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नेशनल T20 कप सब ने देखा, हमने भी देखा, उसमें परफॉर्मेंसेस आई, काफ़ी प्लेयर्स ने सारी उसमें परफॉर्मेंसेस की, पास बॉलर्स भी आए, बैट्समैनों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और आई थिंक के शायद ज़्यादा लड़के इस स्क्वाड में उसमें से जगह ना बना सकें, लेकिन हमारे पास अभी न्यूजीलैंड में शाहीन जाएगी, उसमें इन परफॉर्मेंसेस को देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर आगे काफ़ी T20 क्रिकेट आ रही है। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स दैम, आई थिंक जिन पे हमने इन्वेस्ट किया है और ऑलरेडी हमारे पास यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा एक्सटेंडेड चांस मिल जाए इस सीरीज़ में। अब मैं स्क्वाड जो प्रोबेबल्स हैं वो अनाउंस करूँगा और फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा प्लेयर्स को, उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे वो सवाल ले लूँगा। इसके नाम मिसिंग हैं, शुएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, आमिर शिनवारी, ये नहीं हैं, और उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जो यंग हमारे पास लड़के हैं, अब्दुल्ला शफीक, हैदर, खुशदिल, हसनैन, मूसा, हारिस रूफ, इनको पहले इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, तो इस सीरीज़ में इनको कम अज़ कम इनफ चांसेस मिलें और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें। वहीं पे वहाब और हफीज़, उनकी फॉर्म को देखते हुए और एक मिक्सचर बनाने के लिए दो सीनियर जो कि इस टाइम इन फॉर्म और परफॉर्म कर रहे हैं उनको रखा है। सरफराज की जहाँ तक बात है तो मेनली आप सबको वो पता है कि इस टाइम पे जिस तरह की रिजवान की फॉर्म है, मेन विकेट कीपर हमारे पास रिजवान है और मोस्ट प्रोबेबली वही खेलेगा ये सीरीज़। सरफराज का चांस मुश्किल बनता और हम लोग ये चाहते थे कि सरफराज इस दौरान में फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले और न्यूजीलैंड के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करे। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए हमारे पास टेस्ट मैचेस हैं और एक 3 T20 की सीरीज़ है, तो उसके लिए देख रहे हैं उसको और चाहते हैं कि ज़्यादा खेल के और बेहतर फॉर्म उसकी वापस आ जाए। अब कुदरत के कामों को रोक नहीं सकता, मतलब 3 मंथ्स जो जितना आपका ड्यूरेशन आया ऑफ सीज़न का कोविड की वजह से, आपको पता है हर कोई अपने घरों में बंद हो गया और ना कोई जिम जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है ट्रेनिंग, उसकी वजह से हमें फिर वो जिसको कहते हैं कि बैक टू ज़ीरो होना पड़ा और थोड़ी सी लीवरेज प्लेयर्स को देनी पड़ी राइट आफ्टर दिस कोविड, वो जैसे ही आया आपका ये T20 टूर्नामेंट आ गया और टाइम नहीं मिला प्लेयरों को उस फिटनेस को गेन करने का। ऑब्वियसली कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट एज जो टॉप लेवल पे आप जो मैनेज कर रहे थे क्रिकेट, आपको वो सारी ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखनी है, उसकी वजह से थोड़ा सा लीवरेज मिला और आपको कुछ प्लेयर्स नज़र आए हैं इस T20 में कि जो वो रिक्वायर्ड उसमें नहीं है। बट आई थिंक के मैसेज चला गया हुआ सबको, इनको डेडलाइंस भी मिल गई हैं, इनको पूरी फिटनेस पॉलिसी भी बता दी है, कोचेस को भी, ट्रेनर्स को भी, जो पाकिस्तान टीम फॉलो करती है इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में ये जो सीज़न खेलेंगे उसी को फॉलो करेंगे और उस पर इनको लाएंगे। देखिए ये सारे लड़के ऑब्वियसली लूप में, अभी एक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस है और इनमें टैलेंट नज़र आया, तो यही देख रहे हैं कि इनको पहले न्यूजीलैंड में शाहीन में, क्योंकि 5 T20 है वहाँ पे, इनको देखें, इनको चांस दें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे अगर ये वहाँ परफॉर्म करते हैं तो फिर इनको एक स्टेप ऊपर लेके जाएं। अभी यहाँ पे क्योंकि खुशदिल भी सिर्फ एक मैच खेला और हैदर है ऊपर, तो इस सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कम अज़ कम वो प्रॉपर उनको चांस मिल जाए और फिर इनको शाहीन में ला के उसके बाद इनको आगे लेके आए। नो डाउट टैलेंट है, हुसैन तलत ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, काफ़ी लड़के यहाँ पे सामने आए हैं, तो आई थिंक हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि एक हमारे पास पूल है और आगे बहुत क्रिकेट आ रही है। इन लोगों को भी चाहिए कि जो एक वीकर
चीज़ हमें नज़र आई है, फिटनेस और फील्डिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए बेंच मार्क्स इनको दिए गए हैं, इस उन बेंच मार्क्स को हिट करना है इन्होंने अगर पाकिस्तान टीम में आना है। क्योंकि यहाँ पे लोगों के सामने सिर्फ उनकी रन्स या उनकी बॉलिंग आती है, हमारे पास उनके फिटनेस और सारे फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं ना कहीं आके आप फिर उसकी वजह से मार खाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इनको उस तरीके से तैयार करें। इन लड़कों पे भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को उस लेवल पे फिट करें ताकि ये इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। देखें, जहाँ तक शाहीन की बात है, शाहीन के बल्कि हर बॉलर, जितने भी बॉलर्स हमारे पास हैं इंग्लैंड में थे, उनके चाहे वो प्रोविंसेस में भी अभी खेल रहे हैं और वो काउंटी भी जब खेला है, तो प्रॉपरली बैठ के पूरे पैनल ने वहाँ पे भी एक स्पेशलिस्ट से राय ली है। हमने इंग्लैंड में भी उसके जो वर्कलोड्स हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी इस T20 के दौरान, T20 कप के दौरान भी उसने बीच में मैचेस में रेस्ट किया। तो वो कोशिश हम पूरी हमारी है कि हम वो प्रॉपरली उसके वर्कलोड को मैनेज करें। बट जो उसके बारे में अभी डॉक्टर्स की और फिजियोस की राय वो यही है कि ये जितनी क्रिकेट खेलेगा उतनी इसके लिए बेहतर है। जब इसको रेस्ट भी करवाना है तो वो उसमें भी इसकी कहीं ना कहीं बॉलिंग इसने करनी, क्योंकि जब रेस्ट के बाद आता है तो उस टाइम उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोशिश कर रहे हैं उसके वर्कलोड को अच्छी तरीके से मैनेज करें, उसको नहीं बल्कि हर बॉलर के। और खामखा जब उनका वो एक्सीड कर रहे हैं वहाँ से, तो बैट्समैन जो हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, बाबर आजम, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद हफीज़। विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान एंड रोहेल नज़ीर। स्पिनर्स में इमाद वसीम, शादाब खान, उस्मान कादिर एंड ज़फ़र गौहर। फास्ट बॉलर्स में फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, शाहीन शाह एंड वहाब रियाज। अब जो चेंजेस हैं इसमें, अब्दुल्ला शफीक एक नाम आप देख रहे होंगे और कुछ सीनियर्स के नाम मिसिंग हैं,